हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्चर्ड मेमोरीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये है हमारे कश्मीर सीरीज का सेकेंड वीडियो, और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम की रोड जर्नी। तो इसके पहले जो हमने वीडियो था उसमें बनाया था मुंबई से श्रीनगर एयरपोर्ट की जर्नी, जो फ्लाइट जर्नी थी, और इसमें हमने अमृतसर पे हॉल्ट भी लिया था। इवन लाइक हमारी फ्लाइट थी मुंबई टू श्रीनगर वाया अमृतसर। तो इस वीडियो की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वो वीडियो देखना भी बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अब हम हमारी पहलगाम की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है एग्जिट एरिया जहाँ से हम श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकले। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऊपर जो ट्यूलिप गार्डन के फोटोज लगा है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब यही हमें वाइब्स दे रहे हैं कि लाइक हाउ ब्यूटीफुल द कश्मीर कौन अभी। तो अभी हमने यहाँ से एग्जिट किया, उसके बाद हम कैब से जाने वाले थे पहलगाम तक। तो जो हमारे कैब ड्राइवर थे उनके सारी डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हूँ। तो जब हम यहाँ पे श्रीनगर पे एंटर हुए और एयरपोर्ट से बाहर निकले तो मुझे ये महसूस हुआ कि मौसम तो काफी ब्यूटीफुल है एंड ऑब्वियसली वी आर स्टैंडिंग इन जन्नत। तो डेफिनेटली मौसम तो खूबसूरत होगा ही, लेकिन आई फेल्ट कि थोड़ा क्लाउडी है एंड हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। मतलब इस तरह वीडियो में आपको दिखाई नहीं देगा लेकिन फील हो रही थी, एकदम छोटे छोटे ड्रॉप्स जैसे, जैसे पानी बरस रहा था हल्का हल्का सा। तो दैट मोमेंट आई फेल्ट कि हाँ चलो ठीक है, इट्स सॉर्ट ऑफ स्टेशन ऊपर है तो यहाँ पे मौसम तो इवन फ्लक्चुएट होते ही रहता है। इंडियन फ्लैग डेफिनेटली कश्मीर में आके सबसे पहले मैंने इंडियन फ्लैग देखा ना, फेल्ट रियली अमेजिंग दैट मोमेंट। ये आसमान की ब्यूटी देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो यहां से हमने हमारी पहलगाम की जर्नी स्टार्ट की थी। बाय रोड था, अप्रोक्सीमेटली 89 to 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। 2 से 2.5 घंटे में आप वहां पे आराम से पहुंच जाते हो। तो भी ये जर्नी में हमने बहुत से प्लेसेस पे हॉल्ट लिए, जैसे फर्स्ट शॉप लिया, वहाँ पे हमें काफी सारे कश्मीर के प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिली। अभी मैं हाँ करो, ये ड्राइवर से ना ये यहाँ का ट्रेडिशनल टी। अच्छा, कैसे कैसे बनता है? सेफ्रॉन टी। तो हम अभी शॉप में गए थे, शॉप का नाम था पर्ल्स ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले लाइक ड्राई फ्रूट्स एंड केसर एंड रोज वाटर एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास। तो इस शॉप के डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ये डिलीवर भी करते हैं, उनका कुछ माइनर डिलीवरी चार्ज बस होता है। एंड अभी हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लेते हैं। चलिए, यहाँ से ये मंगूठी टी है, इसको कहते हैं कहवा। जब यहाँ पे कोई भी फंक्शन, वेडिंग, वट एवर शो भी फंक्शन हो, उसमें हम कहवा ही देते हैं। मेहमान नवाजी हम कहवा ही देते हैं। जब मेहमान नवाजी टी के बदले ज़्यादातर कहवा ही देते हैं। कहवा क्या होता है? ये गहरा मसालों का बना हुआ होता है।
कश्मीरी में मतलब होता है कहवा गैर मसाले होते हैं, इनकी टी है इसमें दूध नहीं होता। कहवा आपको यहाँ पे कश्मीर हर कहीं जगह में मिलेगा, ज़्यादातर कश्मीर के लोग हैं ना विंटर में यूज़ करते हैं कहवा। कहवा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अगर आप जब भी यहाँ पे ज़्यादा सर्दी हो जाए ना तो हम क्या करते हैं कहवा पीते हैं, तो इससे सर्दी से बच जाते हैं। सर्दी जुकाम कुछ भी हो, चाहे बुखार हो, वट एवर सो हो, अगर पेट में दर्द हो उसके लिए भी कहवा बढ़िया रहता है। इस शॉप में हमें बहुत सी चीज़ें देखने मिली, जैसे सैफ्रॉन इन द सेंस केसर, ड्राई फ्रूट्स, अनीर, शिलाजीत एक्सेट्रा, तो इनके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हमने कुछ कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ से परचेस भी किए, केसर, ड्राई फ्रूट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रोज़ वाटर। यस, यहाँ पे रोज़ वाटर इतना प्योर मिलता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब जो आप आपके लोकल स्टोर से आप रोज़ वाटर को ही लेते होंगे, जो शायद बहुत ब्रांडेड भी हो इवन, लेकिन इफ़ यू कंपेयर बोथ द रोज़ वाटर से विल कम टू नो कि जो कश्मीर में जो प्योर रोज़ वाटर मिलता है वो सच में अमेजिंग है। उसकी जो प्योरिटी है, जो फ्रेग्रेंस है, वो इतना शानदार है कि बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। एंड इवन इफ़ यू ऑब्जर्व ना, आप दोनों भी रोज़ वाटर यूज़ करो, यू विल कम टू नो कि जो कश्मीर से हमने लिया था रोज़ वाटर वो ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, फिर भी वो फ्रेग्रेंस वैसे का वैसे ही था और मुझे वो फील भी होता था। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसे ब्रांडेड आप ले रहे हो या फिर कोई भी ऐसे नॉर्मल सा रोज़ वाटर ले रहे हो ना, आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम उसका फ्रेग्रेंस चला जाता है। हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें देखी, जैसे ममरा बादाम, वो बहुत ही फेमस है कश्मीर में, एंड उन्होंने हमें दिखाया ये ममरा बादाम प्रेस करके जिसमें से ऑयल रिलीज होता है। ऑल्सो दे शोर सम वॉलनट्स, वो भी इवन ऑयल कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे जा रहे हो ड्राई फ्रूट्स डेफिनेटली परचेस करो, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ, बट अगर वो ट्रस्ट पत्ती हो तो ही परचेस करना। अनदर थिंग दैट कि रेट्स थोड़े से कंपैरेटिवली डिफर करते हैं शॉप टू शॉप समटाइम्स, तो अगर आपको थोड़ा रीजनेबल मिले तो वहाँ से लीजिए, बार्गेन भी करते हैं ये लोग इवन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल लेना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बिल के साथ वो कार्ड भी आपको देंगे जिसमें उनके डिटेल्स होंगे, तो आप चाहिए तो उनसे इवन व्हाट्सएप पे ऑर्डर देके वहाँ से ऑर्डर भी करवा सकते हो विद फ्यू डिलीवरी चार्जेस। जहाँ से मैंने शॉपिंग की, एक शॉप का नाम था पर्ल्स ऑफ कश्मीर, सो वहाँ के सारे डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका लोकेशन एंड एवरीथिंग, तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो। तो ये दिस वॉज आर रोड जर्नी जो मैं बोल रही हूँ श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम तक। तो यहाँ पे हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे यहाँ पे हमें केसर के फार्म देखे, जबकि केसर का वो सीज़न नहीं था तो हमें केसर नहीं देखने मिला, बट जहाँ पे वहाँ उधर मतलब खेती की जाती है तो वो जगह हमें दिखाई गई। ऑल्सो वॉलनट ट्री के पेड़ दिखाई दिए, एंड ये एप्पल फार्म से हमने देखे जहाँ पे उन्होंने टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए नकली एप्पल्स भी लगाए थे। दिस वॉज एट अनदर हॉल्ट, ये एक एवरग्रीन रिसोर्ट करके एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट बोल सकते हैं वो था, जहाँ पे हमने हॉल्ट लिया था कुछ स्नैक्स खाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा था, रीजनेबल था, हमने यहाँ पे पराठे और पकौड़े खाए थे, तो इतनी ठंड में गरम गरम खाने मिले तो बहुत ही सुकून मिलता है। एंड दिस इज योर वेलकम टू पहलगाम, खूबसूरत जगह, खूबसूरत वादियाँ, और साथ में हमारे साथ चल रही थी ये झेलम। सो ये रिवर ने हमें साथ दिया शुरू से लेके आखिर तक, तो आप फोर्स भी देख सकते हो कितना ज़्यादा है, और पानी इतना प्योर था ना, मतलब और काफ़ी ठंडा भी था। मतलब हमने एक छोटा सा हॉल्ट लिया था वहाँ पे, वांटेड टू टच दैट वाटर, ना ठंडा था, क्या ही बताऊँ मैं। तो जो एक पीछे आपने देखा क्लिप में, वहाँ पे कावा के बारे में उन्होंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो कावा एक कश्मीरी टी और कश्मीरी चाय बोल सकते हैं हम एकदम, तो वो एक मिक्सचर होता है, इससे बनता है जिसमें केसर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड होते हैं, और वो जो मिक्सचर है वो एक मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक कप में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स रखे उसके ऊपर वो मिक्सचर ऐड करते हैं, और ये सर्व करते हैं कश्मीरी ब्रेड, जिसको उन्होंने हमें बताया कि जिसको शिरमाल भी बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत शानदार था, तो अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो डेफिनेटली ये ट्राई करना।
तो ये हमने अभी एंटर किया है पहलगाम में, लाइक प्रॉपर पहलगाम में, टोल प्लाजा। वन थिंग आई रियली ऑब्जर्व फ्रॉम श्रीनगर टू पहलगाम कि यहाँ के रोड्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत क्लीन है, नाइसली मेंटेन्ड है, और आप देखोगे तो मतलब ज़्यादा ऐसे वहाँ पे ऊपर नीचे या फिर गड्ढे वगैरह नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। ये खूबसूरती देख के ही मोहब्बत हो जाए किसी को भी कश्मीर से, सच में कह रही हूँ। और ये तो बस शुरुआत है, आगे के वीडियोस में आप देख पाओगे कि कितना खूबसूरत है कश्मीर। अभी हम ऑलमोस्ट पहलगाम के सिटी साइड में थोड़ा पहुंच रहे थे, तो वहाँ पे मार्केट एरिया था, वो भी आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि वो बहुत अच्छा था। हम ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड नहीं कर पाए बिकॉज श्रीनगर के कंपैरिजन में पहलगाम में बहुत एक्सट्रीमली ज़्यादा ठंड थी और मौसम एकदम से बदल गया था, एकदम क्लाउडी हो गया था और हल्की हल्की बरसात भी इवन चालू हो गई थी, और प्रॉब्लम ये था कि इतनी ठंड में इतनी बरसात में ऐसे बिना गर्म कपड़े के हम बैठे थे कार में, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। दिस वाज आवर सेकेंड वीडियो ऑफ कश्मीर सीरीज। इसके आगे के वीडियो में आपको और भी खूबसूरत चीज़ें देखने मिलेगी, जैसे इसके आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पहलगाम के कुछ साइट सींग्स जैसे बेताब वैली हो और बहुत सी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे उस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ वीडियोस से कनेक्टेड रहिए। आप जन्नत देखने आ रहे हो अभी।